जनपद वाराणसी में 2 दिवसीय गंगा दूत प्रशिक्षण का आयोजन। जनपद वाराणसी में नेहरू युवा केंद्र वाराणसी युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत नमामि गंगे परियोजना में युवाओं की सहभागिता के तहत गंगा ग्राम सरसौल में 2 दिवसीय गंगा दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गंगा ग्राम सरसौल, शिव दशा, विशपुर, लूथा कला, धराधर, गंगापुर आदि अन्य गाँव से लगभग 50 गंगा दूतों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। संपूर्ण कार्यक्रम जिला परियोजना अधिकारी सुश्री ऐश्वर्या मिश्रा की देखरेख में कोविड नियम के अनुरूप किया गया, जहां उन्होंने उपस्थित गंगा दूतों को भारत सरकार द्वारा संचालित नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत विभिन्न विभाग द्वारा स्वच्छता जागरूकता एवं अन्य विषय पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराए। नेहरू युवा केंद्र वाराणसी द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रम से युवाओं को जुड़कर काम करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर नंदकिशोर जी द्वारा गंगा दूत की भूमिका पर जोर देते हुए नेहरू युवा केंद्र वाराणसी के कार्यक्रम पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराए। वन विभाग वाराणसी से क्षेत्राधिकारी श्री अरुण उपाध्यक्ष जी एवं वन दरोगा श्री राजकुमार गौतम जी ने युवाओं को नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत विभिन्न सरकारी स्कीम में वृक्षारोपण करने के सही तरीके पर जोर देते हुए माँ गंगे को स्वच्छ एवं निर्मल रखने के लिए युवाओं को प्रेरित करते हुए शपथ दिलाई गयी। कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागियों को विभिन्न गतिविधियों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन कर गंगा दूत लीडर वीरेंद्र कुमार, अतुल मिश्रा, श्रवण कुमार, दीपक, प्रमोद एवं अन्य युवाओं को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम के आयोजन में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक राकेश यादव, सौम्या मिश्रा एवं श्री राजमणि सिंह जी ने अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम में अंत में सुश्री ऐश्वर्या मिश्रा द्वारा मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए वोट देने के लिए प्रेरित किया गया।